हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और सुबह 4 बजे से ही उठी हूँ, 4 बजे से कभी 5-10 मिनट पहले, कभी 5 मिनट बाद, ऐसे करके ये उठ जाता है। और उस टाइम कोई नहीं जानता जब ये उठता है, तो क्योंकि उठता है उसके बाद मैं इसको फीड कराती हूँ। मेरा भी आदत हो गया है, पता भी नहीं चलता है। टाइम तो मैं बाद में देखना स्टार्ट की थी, लेकिन रोज़ उसी टाइम में उठती थी स्टार्टिंग से ही, मतलब जब ये जन्म लिया था तब से ही 4 बजे से इसका आदत ही था। और तो उठता है उसके बाद फीड लेता है अच्छे से, और जब ये फीड लेता है तो मेरा भी नींद अच्छे से खुल जाता है, अच्छे से खुल जाता है। उसके बाद ऐसा लगता है कि ना भी सो तो चलेगा, बट उतना सवेरे उठ के क्या करेंगे ये सोच के सो जाती थी। बट मीठी का स्कूल हो गया और मम्मी लोग भी नहीं है, पहले मम्मी लोग थी तो मैं सो जाती थी, तो मीठी एकदम रेडी हो जाती तब मैं उठती थी, 8:30 में 9 बजे ऐसे उठती थी। बट अभी तो सब कुछ करना है, सिर्फ रेडी ही नहीं करना है, बहुत कुछ काम होते हैं। 2 दिन हो गया, आज तीसरा दिन है अकेले अकेले वाला। सो हस्बैंड भी चले गए हैं, फर्स्ट शिफ्ट में जाते हैं तो वो सवेरे जाते हैं, 5:15-5:30 तक जाते हैं, तो 5:30 में वो चले गए हैं। उसके बाद में ब्लॉग स्टार्ट कर रही, वो चले गए हैं, अभी तक ये सोने का नाम नहीं ले रहा है। ये देख बाबू कब सो गए, कब सोना है, कब सोना है, कब सोना है। तो ये ऐसे ही जगा हुआ है चुपचाप से, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिट कर चुका है अभी, ये इतना रोता नहीं है इस टाइम, मतलब मैं बोल रही हूँ ना, कोई जानता भी नहीं कि ये उठा हुआ है, बस उठा हुआ रहता है और ये जगा रहता है, तो मैं भी जगी ही रहती हूँ। और अभी क्या सोच रही हूँ ना कि अब मैं नहीं सोऊंगी, क्योंकि अब अगर सो गई तो फिर वही हाल होगा, 8:30-8 बज जाएगा। तो मैं अपना जा रही हूँ काम करने, ये खेल रहा है, मीठी भी सोई हुई है और ये खेल रहा है, अभी खेलेगा ही ये, तो क्योंकि कुछ कुछ काम कर चुकी हूँ मैं, लेकिन ये उठा नहीं है। तो कुछ मैं कर चुकी हूँ, इसका डायपर वगैरह भी चेंज कर चुकी हूँ ताकि ये फ्रेश फील करे इस टाइम ही, और फिर सो जाता है। फिर इसी वजह से मैं सुबह में थोड़ा लेट उठती हूँ ना, तो डायपर चेंज रहता है तो दिक्कत नहीं रहता, नहीं तो डायपर तो चेंज करना ही पड़ेगा। 100 AC चलाती हूँ तो ये ज़्यादा सुसु करता है, और वैसे भी ये सुसु ज़्यादा करता है, मतलब खोलती हूँ ना डायपर तब मुझे पता चलता है, क्योंकि खोलती हूँ डायपर तो 5 मिनट में 5 इसका पैंट चेंज करना पड़ जाता है, तो इसी से मैं अंदाज़ा लगाती हूँ कि ये बहुत सुसु करता है, थोड़ा थोड़ा करके सुसु करते रहता है। और सो चलिए मैं अपना काम कर लेती हूँ, ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। कल मेरा कोई ब्लॉग नहीं गया किसी कारण, बस ब्लॉग रेडी था, बस कुछ प्रॉब्लम आ गया जिस वजह से नहीं गया है, तो आज वो ब्लॉग नहीं ही जाएगा जब तक कि वो प्रॉब्लम ख़त्म ना हो जाए। और आज ये वाला ब्लॉग जाएगा। और आज डेट कौन सा है, 28 तारीख है। सो आज 28 है, गुरुवार है शायद। तो चलिए अपना सारा काम कर लेते हैं, ऐसे बात करते रहेंगे तो फिर बाबू भी रोना स्टार्ट करेगा, मेरा काम भी नहीं होगा। सुबह उठने का कुछ फ़ायदा होना चाहिए, तो अपना काम कर लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे। सो गाइज, फ़ोन देखा तो एकदम चार्ज नहीं था, 4% चार्ज था, तो मैं सूट नहीं कर पाई। लेकिन सुबह का टाइम था, सूट करने के भरोसे बैठे तो रहती नहीं, मतलब फ़ोन के भरोसे, तो फ़ोन को लगा दी चार्ज में। और मैं पूरा काम लगभग करने के बाद आपसे मिल रही हूँ, मतलब उसके बाद उठी, किचन वगैरह का जो भी काम था कुछ कुछ किया, उसके बाद मिट्टी को उठाई, उसको रेडी किया, उसको स्कूल भेजा, और उसके बाद मैं खाना भी लगभग बना चुकी हूँ, चावल दाल बन चुका है, आलू का जिया चढ़ा हुआ है, और मतलब कि लगभग खाना भी सब कुछ बन गया था, आलू केला का सब्जी लगभग सब कुछ बन गया था। तो अचानक से फिर याद आया कि अरे कुछ सूट ही नहीं किया, तो फिर सूट करने लगी। और किचन फैला हुआ देख रहे होंगे, क्योंकि इधर दूध बॉयल की थी सुबह में, मीठी को दिया जल्दी जल्दी, वो पी कर गई, उसके बाद वो वैसे ही है, बॉटल रखी हूँ क्योंकि यहाँ पर पानी पीती रहती हूँ, और फिर मतलब कुछ कुछ तो चलते ही रहता है, तो वही सब फैला हुआ है। और साथ साथ में मैं काम कर रही हूँ, और मैं काम करती हूँ ना तो मेरा जो टी शर्ट रहता है वो साइड से गीला रहता है, क्योंकि हाथ पोछने का मेरा आदत है कपड़े में ही, चाहे नाइटी पहनी हूँ या टी शर्ट, अगर बगल में रहता भी है ना कपड़ा पोछने वाला, तो भी मैं उसमें ना पोछ के, आदत ही हो गया है, मतलब कपड़े में ही सड़ जाता है हाथ, तो इस वजह से एक साइड में गीला है। और बस मेरा सारा काम हो गया था तब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, वैसे भी पूरा शूट करती तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। सो आज मैं आप लोगों के साथ सिंपल सा जो मेरा रूटीन है, मॉर्निंग रूटीन जो अकेला का चल रहा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी।
पर अच्छे से नहीं हो पाया, सबको सूट नहीं कर पाई, बट बता दी कि हाँ मॉर्निंग में मिठी को स्कूल भेजा और उसके बाद से वही किचन में खाना वाना बना रही हूँ। बाबू सोया हुआ है और आज का दिन बहुत स्मूथ गया है, बहुत ही अच्छा गया है, मतलब कि बाबू के साथ अच्छा, मतलब खुशी एकदम बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, इसलिए खुश हूँ क्योंकि थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है और ऐसा में मतलब कि ये कोई दिक्कत नहीं होता है रहने में। हाँ अगर बच्चे रोए तब दिक्कत होता है, तो उसको मतलब कि सुला दी थी, उसके बाद फिर कुछ काम कर रही थी, फिर मतलब बीच बीच में उसको भी मैं देख रही थी। तो ये देखिए मैं रूम में देखने आई थी बाबू को और मैं चाय पी थी, मीठी दूध पी थी, वही सब लेने आई थी मतलब धोने के लिए, और साथ ही साथ बाबू का बॉटल था तो कल शाम में पिलाई थी बॉटल, वो भी रह गया था, और दिन में जो पिलाई थी वो भी रह गया था। नहीं तो ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ, पी लेता है उसके बाद धो करके उसमें पानी भर के रख देती हूँ ताकि वो जमे नहीं दूध, और कभी कभी क्या है सीधा भी मतलब कि बिना लिक्विड का भी वो ब्रश से साफ़ करके और बॉयल कर दो तो भी चल जाता, मतलब अभी ही जैसे कि दिया है और ज़रूरत पड़ गया तो ऐसे भी बॉयल करके रख दो। और मिमी का लिक्विड मैं यूज़ कर रही हूँ, बट उसका स्मेल थोड़ा सा रहता है, मतलब अच्छा ही स्मेल है और फ्रूट का रहता है शायद, लेकिन फिर भी रहता है। तो उसके बाद मैं फिर से किचन में गई और उसको साफ़ कर रही हूँ, बॉटल साफ़ करके बॉयल किया हुआ हाँ बेटा चॉकलेट खा रही है ठीक है, तो एक मिनट रुक जाओ, तो मतलब साफ़ किया हुआ रहता है ना तो बहुत ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि जब बच्चा रोता है तो उस टाइम आप नहीं साफ़ कर सकते हो, बॉयल कर सकते हो, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, उतना देर तो वेट नहीं करा सकते क्योंकि पानी बॉयल करेंगे फिर वो ठंडा होगा, बॉटल भी बॉयल करेंगे तो टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, अभी तक मैं बॉटल नहीं यूज कर रही हूँ गर्म वाला जो मिल्टन का होता है, लेकिन हाँ बॉयल करके और ढक करके उसी को रख देती हूँ अगर ज़रूरत पड़ता है, वैसे तो बहुत ही कम ज़रूरत पड़ता है, लेकिन जिस टाइम ज़रूरत पड़ता है उससे एक दो घंटे पहले मैं बॉयल करके और ढक के रखती हूँ, जब पिलाना है तो हल्का सा मतलब गैस जलाती हूँ और एक सेकेंड दो तीन सेकेंड बाद बंद कर देती हूँ, बस एकदम रूम टेम्परेचर पर पानी एकदम हो जाता है गर्म और उसके बाद उसमें मिला करके दे देती हूँ। तो इसलिए बॉटल पहले से बॉयल किया हुआ बहुत ज़रूरी है रहना। और इसके बाद मुझे थोड़ा चाय पीना था तो देखा कि बाबू सोया हुआ है, तो मतलब थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जगते रहता है बट एकदम से जगता नहीं है, हाँ बेटा, और तो सोया हुआ था तो मैं सोच रही थी कि बाहर जाके थोड़ा चाय पी लेती हूँ, बाहर का मौसम अच्छा लगता है इस टाइम सुबह में, हल्की हल्की धूप भी रहती है तो भी एकदम ठंडी ठंडी हवा और मस्त मतलब अच्छा लगता है, लेकिन जा करके मैं जैसे ही एक से दो घूट चाय पी बस बाबू रोने लगा, रोने का आवाज़ सुनते ही मैं दौड़ के आई हूँ, तो ये देखिए बाबू रो रहा है और इसको उठा करके शांत कराऊंगी, जैसे गोदी में लेती हूँ तो फिर ये चुप हो जाता है, पर जब तक गोदी ना लो तब तक इसका तेज ही होते जाता है, मतलब रोना इसका बढ़ते ही जाता है ये देखिए। और मेरा आदत है वैसे भी ठंडी चाय पीने का, मतलब एकदम से ठंडा नहीं बट हाँ मेरा हो ही जाता है, ठंडा हो जाता है, एकदम से गर्म मैं नहीं पी पाती हूँ, तो ये चुप हो गया है, अब थोड़ा देर खेलेगा, ये थोड़ा डर जाता है, थोड़ा गोदी में ले लो तो इसको लगता है कि हाँ यहाँ पे सब है और फिर शांत। और ये जो ब्लैंकेट मैं फोल्ड कर रही हूँ ये कल ख़रीद कर लाए हैं मेरे हस्बैंड, बहुत अच्छा है ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए और छोटा है बाबू के लिए अच्छा है, और ये सब तो है जैसे कॉटन है पतला है तो रैप करने के लिए सही है बट ठंड लगती है तो उसके लिए सही नहीं है, और एसी चलाते हैं तो इतना पतला से काम नहीं चलता है, थोड़ा सा मोटा ब्लैंकेट चाहिए ही चाहिए क्योंकि बच्चा है, जैसे कि ठंड होते होते ना 24 पे अगर चलाती हूँ तो जब रूम पूरा ठंडा जाता है तो फिर ज़्यादा ठंडा लगने लगता है, तो हम लोग तो बर्दाश्त कर लेंगे या हम लोगों को फील होगा तो हम लोग ओढ़ लेंगे, लेकिन बच्चे का पता नहीं चलेगा ना, तो इस वजह से उसको मोटा ही ओढ़ाना चाहिए। और अब मैं चाय पीने के लिए बैठी हूँ, ये तो खेल ही रहा है लेकिन गोदी में ले रही हूँ, नहीं तो फिर पीऊँगी फिर रोने लगेगा, तो बस गोदी में रहता है तब तो रोने का कोई सवाल ही नहीं है, खेल रहा है देख रहे हो, और मेरा चाय एकदम ठंडा हो गया, मज़ा नहीं आ रहा है पीने में, पर ऐसा ही होता है, इसलिए मैं कुछ दिन तो चाय छोड़ ही दी थी सुबह में लेकिन फिर पीने लगी हूँ, अभी भी मैं छोड़ भी सकती हूँ, बस पी तो लेती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि नहीं पीऊँगी तो नहीं काम चलेगा, छोड़ सकती हूँ लेकिन पी लेते हैं कि चलो थोड़ा सा पी लेते हैं, शुरू से तो पीते ही आ रही हूँ तो अभी क्या दिक्कत हो जाएगी, बस ये सोच रही थी। और पता है कहीं ना कहीं मैं इसलिए छोड़ी थी कि सोचा था कि पेट अंदर चला जाएगा, क्योंकि चाय भी मीठा होता है और मीठा खाने से मोटापा बढ़ता ही है, तो ज़्यादा तो मीठा मैं कुछ नहीं लेती हूँ, एक चाय ही है जो सुबह और शाम लेती हूँ, नहीं तो मीठा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ कुछ भी मीठा, ऐसा नहीं है बिल्कुल पसंद नहीं है, मिठाई वगैरह खाती हूँ बट रोज़ कौन मिठाई खाता है, तो बस वही है। और अब बेबी का मालिश हो गया है, मालिश के बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों से, मतलब कि मालिश करते हुए नहीं दिखा सकती हूँ, नहाते हुए नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि कल ही एक वीडियो बनाया है पूरा इसका रूटीन, बाबू का रूटीन जो मैं नहीं डाल रही हूँ, नहीं डाल पा रही हूँ,
तो इसलिए आज नहीं दिखाई हूँ, पहले मालिश कर ली उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब मेरा सब कुछ हो चुका है, बाबू का मालिश हो गया, बाबू अभी सो गया है और मेरा खाना पीना भी बन गया है, मतलब खाना भी बन गया है, चावल दाल सब्जी बनाई हूँ आलू केला का, तो खाना भी बन चुका है, सारा काम हो चुका है। बस अब मुझे करना है ब्रश और फिर नहाना है, नहा कर करूँगी और उसके बाद खाना खा करके उसके बाद आज उसको नहलाऊँगी, क्योंकि अभी वो सो रहा है तो इस बीच में मुझे सारा काम कर लेना होगा, नहीं तो हो सकता है फिर जगेगा फिर उसको नहाऊंगी तो फिर मुझे लेट हो जाएगा और भूख लग जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा, कमजोरी सा फील होने लगता है अभी, थोड़ा सा आप समझ सकते हो। तो बस वही है, तो जा रही हूँ अभी ब्रश करने, फ़ोन भी चार्ज नहीं है तो फ़ोन चार्ज में लगाऊंगी और अपना फटाफट से काम पूरा करने वाली हूँ, तो चलिए मिलते। देखिए ये मेरा लाल क्या कर रहा है, मैं नहा करके आई हूँ और ये तब तक उठा हुआ है, उठ के खेल रहा था अभी रोने लगा है, इसका कोई सोने का ठिकाना ही नहीं रहता है, थोड़ी देर में सो जाता है थोड़ी देर में उठ जाता है। देखिए अभी सो गया, ऐसा लग रहा है कि सो गया, ये सोया नहीं है। हे बिट्टू, ये देखो मैं नहा करके आई हूँ और ये जग गया है, अब इसको लूँ या पूजा करूँ या खाना खाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा रेडी भी होने का टाइम नहीं देता है, लेकिन अभी मैं पूजा करूँगी क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा ऐसे झुला देती हूँ तो ये चुप हो जाता है। ये देखिए सो गया इतना जल्दी, तो ये सो गया है, तब तक मैं फटाक से पूजा करके आ जाती हूँ। तो देखिए मेरा सब कुछ हो गया है, पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, बाबू अभी तक सोया हुआ है देखिए, और मीठी का भी आने का टाइम हो गया है, तो सोच रही हूँ खाना खाऊंगी उसके आने के बाद ही, क्योंकि मेरे साथ कभी कभी खाती है तो खा लेती है नहीं तो फिर नहीं खाना खाते रहती है, तो मैं सोच रही हूँ कि वो आएगी तब खाना खाऊंगी, जब तक मैं इसको उठा करके नहला देती हूँ, क्योंकि नहा लेगा तो फिर फ्रेश हो जाएगा, नहीं तो सोएगा तो फिर ज़्यादा लेट कर देगा, तो ज़्यादा लेट से नहाने का फिर दिक्कत हो जाता है, सर्दी होने का टेंशन रहता है, बस इसको जगाऊंगी। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये किस तरह का ब्लॉग शूट कर रही हूँ, बाबू का कुछ करते हुए तो दिखा ही नहीं रही हूँ, तो एक्चुअली एक पूरा अच्छे से वीडियो शूट किया हुआ, अपलोड किया हुआ रखा हुआ है, बट पब्लिक में नहीं कर रही हूँ किसी कारणवश, क्योंकि उस वीडियो में प्रॉब्लम आ गया है और पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आया है, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबू जब बिना कपड़े का रहता है तब वो प्रॉब्लम आता है, बल्कि ऐसा नहीं कि पूरा बिना कपड़े का रहता है, डायपर नैपी दोनों पहना कर, मतलब डायपर पहना करके मालिश की हूँ उस वीडियो में और नैपी पहना करके नहाई हूँ, फिर भी उसमें प्रॉब्लम आया है, बस शॉर्ट टी शर्ट वगैरह कुछ नहीं पहना है इस वजह से, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जहाँ तक समझ में आ रहा है वही दिक्कत है, इस वजह से मैं बाबू को ये चीज़ करते हुए नहीं दिखा रही हूँ, जैसे मालिश करने के बाद मैं दिखाई हूँ, नहाने के बाद दिखाऊंगी, क्योंकि उतना करने से मेरा पूरा का पूरा मेहनत पानी में चला जाता है, एक वीडियो को तैयार करके अपलोड करने तक में बहुत मेहनत लगता है, एक तो बार बार शूट करो, अच्छे से शूट करो, उसको एडिट वगैरह थंबनेल सब कुछ तैयार करने के बाद प्रॉब्लम आ जाता है, तो समझ लो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, तो इस वजह से आज मैं अपना मॉर्निंग रूटीन मतलब दिखा तो रही हूँ, बता रही हूँ, बट अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ, सो आज जैसे जैसे हुआ सब कुछ बताऊंगी, बट दिखाऊंगी नहीं बाबू को, बस ऐसे बिना कपड़े का, और जब मुझे वो पता लग जाएगा, वो चीज़ सही हो जाएगा, तब मैं अच्छे से फिर से एक बार शेयर करूंगी। अभी समझ में नहीं आ रहा कैसे आज तक मेरे वीडियो पे छठी ब्लॉग नहीं आया है, क्यों? क्योंकि उसमें बाबू या तो मालिश हो रहा है या फिर एक दो बार ऐसा है बिना कपड़े का, तो उसमें प्रॉब्लम आ जा रहा है, इस वजह से मैंने छठी ब्लॉग अभी तक शेयर नहीं किया है, मेरे वीडियो मेरे मोबाइल में पड़ा हुआ है और वीडियो ज़्यादा पड़ा मतलब रहने से मोबाइल में रहने से मोबाइल का जो स्पेस है वो कम हो जाता है, तो ज़्यादा वीडियो भी नहीं शूट कर पाते, लेकिन उसको डिलीट भी नहीं कर सकते हैं, इतना ज़्यादा ये है, तो कुछ नहीं है, मतलब एक बार अगर उसमें प्रॉब्लम हो या ना हो उसको डालना ही डालना है, वो जल्दी मैं डाल दूँगी, चाहे जो भी हो छठी ब्लॉग में डाल दूँगी, आधा मैंने डाला हुआ है, सुबह से शाम तक का छठी का दिन का डाला हुआ है, शाम से रात तक का कुछ क्लिप है जो कि रह गया, उसको भी मैं डाल दूँगी। सो चलिए मैं इसको पहले जा रही हूँ उठाने, उठा के दो मिनट थोड़ा सा रखूँगी गोद में कपड़े हटा करके, क्योंकि एकदम से सोया हुआ रहता है तो गर्म रहता है, एक तुरंत से नहीं नहाना चाहिए, हालांकि एकदम ठंडा पानी से नहीं नहाती हूँ मैं, गुनगुना पानी से नहलाती हूँ, जो नॉर्मल हल्का गुनगुना हो वैसा से, बट फिर भी थोड़ा दो मिनट इसको जगा करके उसके बाद नहा करके फ्रेश करके सामने लाती हूँ, चलिए देखते हैं थोड़ी देर के बाद।
तो ये देखिए मेरा बाबू नहा करके तैयार हो गया है और अब बिल्कुल मैं फ्री हूँ अभी से। अभी से मेरे पास कोई भी काम नहीं है, बस इसको ही देखना है और इसको देखने में बहुत मज़ा आता है मुझे। मतलब कि ये बोल रही हूँ कि खाना पीना सब कुछ हो चुका है, अभी बस इसके साथ ही रहना है। और मम्मी लोग के रहते हुए भी मैं ऐसा ही करती थी, मतलब मैं इसको संभालती थी इस टाइम से इसको कुछ करना ही नहीं होता है। अभी नहा लिया तो ये आराम से सो जाएगा, फीड लेकर के थोड़ा सा फीड लेगा और सो जाएगा। और अभी से थोड़ा सा चांस होता है क्योंकि ये नहा लेता है तो इसको बहुत अच्छा फील होता है, सबको अच्छा फील होता है नहाने के बाद, तो इसको भी अच्छा फील होता है। और देखो जमाई पे जमाई ले रहा है तो ये थोड़ा सा दूध पी लेगा, उसके बाद सोएगा, और नहीं भी दूध पिएगा तभी भी सो जाएगा, इसलिए ज़रूरी है कि इसको दूध पिला दो। हाय करो सबको। तो ये देखिए अभी पता नहीं कहाँ देखते रहता है, अभी फ़ैन देख रहा है ऊपर में, क्योंकि फ़ैन चला रही थी और बात करने से पहले फ़ैन बंद की हूँ तो थोड़ा थोड़ा घूम रहा है, तो इसलिए शायद उसको देख रहा होगा कि ऊपर में इतना बड़ा कौन सा खिलौना लटका हुआ है, तो इसको देख रहा है। और मीठी का आने का टाइम हो गया है, 12:15 हो गया, तो 12 बजे वो मतलब उसका छुट्टी होता है, लेकिन थोड़ा देर पहले भी आ सकती है, मतलब 12 बजे भी आ सकती है, 12:10 तक भी आ सकती है। तो बस उसके साथ खाना खाऊंगी, तब तक इसको फीड करा के सुला देती हूँ। तो अभी आज मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं हुआ, बिल्कुल भी टेंशन। सुबह में मिट्टी को तैयार करने में थोड़ा टेंशन हुआ था, बाकी बाबू में तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुआ, ये आराम से सोया है, आज दूध पिया है सोया है, दूध पिया है सोया, इतना ही काम किया और कुछ नहीं किया। और आज मैं रील्स भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि मूड जिस दिन इसका अच्छा होता है उस दिन मेरा भी मूड अच्छा होता है, और मूड अच्छा होता है तो सब कुछ करने का मन करता है। ये भी रील्स बनाएगा, अच्छा से हंसेगा हंसेगा, ऐसे ऐसे करेगा, अच्छे अच्छे करेगा, अच्छे अच्छे। ये मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, इसको फिट करा के इसको सुला दे रही हूँ। और ब्लॉग अभी एंड नहीं हुआ है, एंड करूँगी तो बता दूंगी, देखते हैं कितना देर तक चल पाता है वीडियो। और उसके बाद ये वीडियो आज ही एडिट करके आज ही अपलोड करना होगा, क्योंकि कल भी कोई ब्लॉग नहीं किया है, सबको मैं मिस कर रही हूँ, मुझे तो कोई मिस नहीं करता है, मैं मिस कर रही हूँ सबका कमेंट का। और आप तो बहुत कम कमेंट आते हैं यार, मन नहीं लगता है, कमेंट नहीं आता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया कीजिए। हेलो गाइस, मैं सुरसा हूं, आप और क्या बोलूं, और खाना खा लिया, और खाना खा लिया, आप लोगों ने खाया, आपने अपनों ने खाया। हे गाइस, कैसे हो आप लोग। अभी स्कूल से आ गई है मीठी, अभी नहीं हो गया 1 घंटा आया हुआ, और स्कूल से आई है, खाना खिलाने का बहुत कोशिश की बट ये नहीं खाई है, और तब से ये ऐसे मोबाइल देख रही है, इधर उधर कर रही है। बाबू सोया नहीं था तो उसको सुला रही थी मैं, और अब सोच रही हूँ वीडियो एडिट करके अपलोड करने का। उससे पहले आप लोगों से मिलना ज़रूरी था, बाय बोलना रह गया था। ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, किसी अच्छे से ब्लॉग में। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।